स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को लेसन समझ में आ रहा होगा। आज हम लोगों का लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फूड वेब, फूड वेब मीन्स होता है पशु भोजन। एवरी एनिमल्स ईट्स मोर देन वन काइंड ऑफ फूड। प्रत्येक जानवर एक से अधिक प्रकार का भोजन खाता है। ईच एनिमल्स इन टर्न इज ऑल्सो ईटन बाई मोर देन वन काइंड्स ऑफ एनिमल्स। प्रत्येक जानवर इन मीन्स में टर्न मीन्स बदलना बदल जाता है। इज ऑल्सो ईटन जो खाया गया है बाई मोर देन वन काइंड ऑफ एनिमल एक से अधिक प्रकार के जानवरों को। दस मीन्स इस प्रकार फूड चेन्स आर ऑल इंटरकनेक्टेड। इस प्रकार ये सभी खाद्य श्रृंखलाएँ परस्पर निर्भर हैं। द रिजल्ट इज अ नेटवर्क ऑफ मैनी फूड चेन्स कॉल्ड अ फूड वेब। जो परिणाम आता है बहुत सी खास श्रृंखलाओं के नेटवर्क का, उसे हम फूड वेब कहते हैं। अ सिंगल फूड वेब हैज मैनी इंडिविजुअल फूड चेन्स। जो एक सिंगल खाद्य श्रृंखला होती है, एक ही खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य भोजन होता है, वो क्या रखता है, बहुत से प्रकार के खाद्य श्रृंखलाएँ रखता है। यू मे कंस्ट्रक्ट मैनी फूड चेन एग्जिस्टिंग इन अ फूड वेब। इसका मतलब हुआ आप मौजूदा फूड वेब में किसका, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है निर्माण। बाई choosing one of the animals at a particular level and linking it to the ones above and below it। जो किसी भी आप एक एनिमल को चूज कर लीजिए और उसका पर्टिकुलर मीन्स लगातार लेवल देखिए, एंड लिंकिंग इट वंस एबव एंड बिलो इट और इसे ऊपर से नीचे तक देखिए, जैसा इस पिक्चर में दिया गया है। गिवन बिलो नीचे दिया गया है इज वन ऑफ द फूड चेन जो एक खास श्रृंखला होती है फ्रॉम द फूड वेब किससे, फूड वेब से। सोन एवब ऊपर दिखाई गई है। नाउ ट्राई टू कंस्ट्रक्ट एज मैनी फूड चेन्स फ्रॉम दिस फूड वेब एज पॉसिबल्स। इसी से हम बहुत सी खास श्रृंखलाओं का निर्माण करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम दिस फूड वेब, इसी फूड वेब से जो संभव है। जैसा मैंने कल आपको बताया था ऐसे ही आज इसमें दिया गया। ग्रास ने, ग्रास को किसने खाया, ग्रास ऑपर ने। ग्रास ऑपर को किसने खाया, रैट ने। रैट को किसने खाया, ईगल ने। इसी प्रकार एक खास श्रृंखला चलती रहती है। इसमें लिखा है यूज द फूड वेब, फूड वेब का उपयोग करके इन अ पिक्चर गिवन बिलो जो नीचे दी गई है। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर राइट करने हैं। नेम द लिविंग थिंग्स इन अ फूड वेब दैट आर producers, name the living things in a food web that are consumers, which living things does the snake eat, किसने स्नैक को खाया है, which living things does the hawk eat, hawk को किसने खाया है, what is eaten by the rabbit, rabbit के द्वारा कौन खाया गया है। आज आप लोगों का लेसन कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको 2 बार रीड किया करिए जिससे आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू एवरीवन।